अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू बैक माय चैनल जस्ट अ टेस्ट व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रमज़ान का आज पहला रोज़ा है, तो मेरी तरफ से आप सब मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक दे और नेकी की राह पर चलने की तौफीक दे। तो व्यूअर्स, बहुत दिन से व्लॉग नहीं बन सका, बस कुछ बातें ऐसी थी। और रमज़ान शुरू हो गया है तो हर रोज़ आपको एक नई डिश बनाकर दिखाया करेंगे, और आज भी आपके लिए एक नई डिश है। जो डिश बनाई है वो है आलू के टोस्ट, बहुत मज़े के बनते हैं। आप उसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, कोई सी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं वो कैसे बनते हैं। तो व्यूअर्स, टैटो टोस्ट के लिए मुझने आलू लिए हैं 4 से 5 अदद, जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। हरी मिर्चें 2 अदद ली हैं मैंने, रीकट कर ली। और हरा धनिया और पुदीना लिया है मैंने 1-1 चम्मच। एक छोटी शिमला मिर्च मैंने रीकट ली है 1 चम्मच। छोटा सुरख मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जितना आप खाना चाहो, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च मैंने 1/2 चम्मच ली है, आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अंडा मैंने लिया है जो मैंने फेंट के रखा है। ब्रेड चाहिए हमें कोई से भी ब्रांड के। सोया सॉस 2 चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। ब्रेड को हम पहले कट कर लेंगे साइड से, चारों कोने इसके कट कर लें। चारों कोने इसके कट करके हम इसे बीच में से डिब्बे का शेप देकर आपको दिखाते हैं, ऐसे इसे कट करना है। और ऐसे हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं सारे ब्रेड ऐसे ही कट कर लें। अब हम मसाले में शिमला मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, और नमक टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, सोया सॉस, और जो अंडा मैंने फेंट के रखा था वो अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो, मैं हाथ से करने लगी हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम एक पीस देकर उस पर आलू का बैटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये कैसे लग रहा है। और फिर हम इसे रेड ड्रम में, इस पर हम रेड ड्रम लगा रहे हैं।
हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहे हैं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम डिश आउट करेंगे। तो ब्रेड तो टोस्ट, आलू टोस्ट हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत चटपटे से ये बने हैं, बहुत मज़े के। अफ्तारी के टाइम आप इसे बनाकर ज़रूर खाएं, ट्राई करें। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देना। और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।